हे दोस्तों, आप देख रहे हैं StudyDesire.com। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड दिल्ली का रिव्यू लेके आए हैं हम। इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा पूरा स्कूल का रिव्यू लेंगे और आपको बताएंगे स्कूल कैसा है, अच्छा है बुरा है, और आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे होगा एडमिशन, पूरा प्रोसेस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें उससे पहले, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, इसके अंदर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं StudyDesire.com। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम StudyDesire.com के पोर्टल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है लिंक, आप उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्टली। आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो पेज को करेंगे स्क्रॉल अप, स्क्रॉल पर यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली का जो है ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है इसके बारे में, स्कूल के बारे में, जिससे आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पर मेंशन। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल आल्सो नोन एज डीपीएस दैट वाज फाउंडेड इन 1949। ओके, इसमें दिस अ वेरी वेरी ओल्डेस्ट कॉलेज, दिस अ प्राइवेट स्कूल, यू कैन से दिस अ प्राइवेट स्कूल लोकेटेड इन मथुरा रोड नेशनल और लॉजिकल पार्क सुंदर नगर दिल्ली। इसका जो कोड है पिन कोड है 110003। डीपीएस मथुरा रोड अफिलिएट विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। और ये जो ऑफर करता है, जो कोर्सेज ऑफर करता है सारे के सारे, मतलब कॉमर्स साइंस, मतलब सब सारे के सारे कोर्सेज ऑफर करता है स्कूल, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है द, यहाँ पर लिखा है द द इम्प्लीमेंट द इम्प्रूव स्कूल बिल्डिंग्स इंक्लूड द वर्कशॉप और कंप्यूटर सेंटर और ये विजुअल लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, स्क्वायर कोर्ट, क्लिनिक, बुक शॉप, मतलब सब कुछ है, कैंटीन। स्कूल इज अ वेरी वेरी नाइस। तो यहाँ पर जैसे आप फिर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पेज को आप स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हमने यहाँ पर तीन स्कूल के और बारे में और भी दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके क्या है कि इनके बारे में जान सकते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन दिल्ली, तो आप इनके बारे में जान सकते हो। पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करने के बाद डीपीएस के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ी सी जो हमने ऊपर यहाँ पर हमने बताया हुआ है उसी को हमने शॉर्ट में यहाँ पर दे दिया है, तो आप इससे देख लेना, यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा अच्छी तरीके से। कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल्स का नाम है, पॉपुलर नेम क्या है इसका, कब कब एस्टेब्लिश हुआ था, अफिलिएट कहाँ से है और कहाँ से लोकेटेड है, क्या रेटिंग है इसकी, 3.8 की रेटिंग है, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वही है। ये चीज देखने के बाद पेज को आप स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमने एकेडमिक्स दिए हुए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन कौन से उसमें क्या क्लास में आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सारी क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो यहाँ पर इसके बाद ये चीज़ देखने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे आप, स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे एलिजिबिलिटी पर। तो एलिजिबिलिटी पर जो यहाँ पर हमने मेंशन की हुई इसे आप देख लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर पेरेंट्स को ये सारी चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों के एडमिशन के लिए ये चीज़ आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, इसे आप पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं एक एक बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसे आप पढ़ने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर लिख, इसके बाद आएगा एडमिशन प्रोसेसर, मतलब क्या प्रोसीजर होगा एडमिशन का, इसमें इसमें जो एडमिशन होगा वो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर जो दो सेक्शन में हमने इसे बांटा हुआ है, और सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा, अगर आप स्टार्टिंग में उसका एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो 3 साल की उम्र होनी चाहिए जब भी आपके बच्चे का एडमिशन हुआ, सबसे पहली बात है 3 साल की उम्र होनी चाहिए, 31 मार्च से पहले पहले, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी ये नहीं चलेगी, मतलब किसी और से आपने बोला कि भैया थोड़ा एडमिशन करवा दो मेरा, मतलब ये चीज़ होती है, मतलब यहाँ पर इंडिया में कुछ ज़्यादा होती है कि ऐसे एडमिशन करवा दो वैसे एडमिशन करवा दो, तो स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी वहाँ पर। एडमिशन जो होगा वो स्कूल की जो गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन कराया जाएगा स्कूल में, और यहाँ पर कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। और यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें बताया कि सीट,
डिपेंड ऑन द सीट के कितनी सीट वैकेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन कराया जाएगा इस स्कूल में। कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी कि आप किसी भी सिफारिश के तौर पर इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर डीपीएस के बारे में कुछ फैसिलिटीज वगैरह हमने दी हुई हैं, इसे आप देख लेना और जान लेना, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या 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 चीज़ें हैं स्कूल में। पूरी पूरी चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करने के बाद हमने फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जी हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, फी स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी है। क्या इसके एनुअल चार्ज होते हैं, क्या इसके चार्ज लेते हैं, काय काय के चार्जेस होते हैं। बहुत सारे स्कूल बहुत सारे चार्ज होते हैं, और अगर स्कूल प्राइवेट है तो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे चार्जेस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, एक एक चार्ज बताया हुआ है हमने कि कौन सा चार्ज होगा और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब आपको कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है लिंक, आप उसे फॉलो करते हुए डायरेक्टली सारी सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद जो है फिर ये आ जाते हैं बसों के चार्ज, मतलब बस रोड होंगे उसके क्या चार्ज होंगे और ट्यूशन फी क्या होगी, मतलब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ये भी दिया हुआ है जिसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर एक और यहाँ पर जो है वो है द बॉर्डर्स, मतलब यहाँ पर जो है फीस और दी हुई है कि एडमिशन फी क्या है, कोटेशन फीस क्या होगी, हॉस्टल चार्जेस क्या होंगे, ब्ला 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 जो भी चार्जेस होंगे इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इम्पॉर्टेंट, मतलब यार चार्जेस प्राइवेट स्कूल्स में तो चार्जेस ही चार्जेस होते हैं, लेकिन भाई ये थोड़े से पढ़ाई के अकॉर्डिंग, बिकॉज सारे के सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्राइवेट कॉलेज का, लेकिन वही है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमने सब कुछ मैंशन किया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, स्कॉल करने के बाद यहाँ पर मैं रैंकिंग दी हुई है कि भाई क्या कॉलेज की रैंकिंग हमने दी हुई है, StudyDesire.com जो है उसके अकॉर्डिंग क्या रैंकिंग यहाँ पर हमने दी हुई है, एजुकेशन की क्या रैंकिंग है, फैकल्टी वगैरह कैसी है, तो सब चीज़ हमने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने इसकी रेटिंग दी हुई है 3.8 की दी हुई है, और जो जो एजुकेशन की जो रेटिंग होगी वो 4.1 की दी हुई है। तो ये चीज़ सही है, मतलब ठीक है, स्कूल नॉर्मल है, मतलब ये इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, प्राइवेट है तो ठीक है, मतलब DPS की ब्रांच है तो ठीक है, स्कूल सही है। तो 4.1 की हमने यहाँ पर दी हुई है, 3.8 की यहाँ पर ये रेटिंग दी हुई है, इसे आप देख लेना। और इसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है स्कूल की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, मतलब कि आप यहाँ पर जा करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं और उनसे बात वगैरह करके अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपके को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हम उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमें बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन और करियर की न्यूज़ हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और StudyDesire.com की जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना, और StudyDesire.com की जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर देखते रहना, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स करते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे थे StudyDesire.com, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।